प्रिय विद्यार्थियों, आज विश्व इतिहास के जिस विषय को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ वो काफ़ी रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और अक्सर विश्व इतिहास के अंदर उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसे रिफॉर्मेशन कहा गया, जिस तरह हिंदुस्तान में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिंदू धर्म के प्रतिरोध के रूप में बौद्ध धर्म खड़ा हुआ और उसने हिंदू धर्म के आडंबरों और पाखंडों पर प्रश्न उठाने शुरू किए और ख़ास तौर पर महात्मा बुद्ध ने उन धार्मिक अनुष्ठानों की, उन यज्ञों की, उन कर्मकांडों की आलोचना की, ठीक उसी तरह से 16वीं शताब्दी में रोमन कैथोलिक चर्च, जो कि आडंबरों और सांसारिकता और भ्रष्टाचार से व्याप्त था, उस पर कई तरीके के प्रश्न उठने लगे। रोमन कैथोलिक चर्च में जो सर्वश्रेष्ठ पुरोहित होता था उसे पोप कहा जाता था और पोप के नीचे कार्डिनल होते थे, कार्डिनल के नीचे आर्क बिशप, फिर प्रीस्ट, फिर डैकोन्स और द लैरिटी, यानी उन धार्मिक पुरोहितों के सबसे निचले छोर पर पादरी होता था और उसके ऊपरी छोर पर पोप होता था। पोप इटली की राजधानी रोम में बैठा करता था और वहीं से वो उन धार्मिक गतिविधियों को पूरे यूरोप के अंदर संचालित करता था। पोप के पास कई तरीके के अधिकार होते थे। अगर पोप के खिलाफ कोई बात करता था तो उसे एक्सकम्युनिकेट करने का अधिकार पोप के पास था, यानी उसको धर्मच्युत करने का अधिकार पोप के पास था। पोप सांसारिकता और भ्रष्टाचार में लगातार डूबते चले गए और जिन वजहों से उन पर प्रश्न उठने लाजमी थे, बहुत पहले जॉन वाइक्लिफ और जॉन हस ने भी पोप की सांसारिकता, चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचारों पर प्रश्न उठाए थे, लेकिन उनको इसकी कड़ी सजा का सामना करना पड़ा और पोप ने कई तरीके की पाबंदियां उन पर लगा दी। जब 16वीं शताब्दी के अंदर हम आते हैं तो हम पाते हैं कि पूरे यूरोप के अंदर, अगर रूस को छोड़ दिया जाए, रूस के अंदर ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च था और पूरे यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च था। ये रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ जो पहली सशक्त आवाज़ उठाने का काम किया वो मार्टिन लूथर ने उठाया था। मार्टिन लूथर धर्मशास्त्र के प्रोफेसर थे और उनकी बाइबल में, चर्च में और पोप में बड़ी आस्था थी, लेकिन एक बार वो इटली की राजधानी रोम घूमने गए और उन्होंने पोप की गतिविधियों को बहुत नज़दीक से देखा और पोप को व्याभिचार में डूबते हुए देखा, पोप को सांसारिक और भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों में डूबते हुए देखा, तो उनकी आस्था डगमगा गई। और 1517 में जब पोप का एक प्रतिनिधि टैडजेल वेटेनबर्ग गिरजाघर की दीवारों को मरम्मत करने के लिए जब धन एकत्र कर रहा था तो वो क्षमा पत्रों की बिक्री करता हुआ वहाँ पर दिखाई दे रहा था, जिन्हें इंडलजेंसेस कहते हैं। और इन क्षमा पत्रों में को टैडजेल ये कहकर संबोधित कर रहा था कि जो भी अपराधी, जिसने किसी भी तरीके का अपराध किया हो, वो इन अगर क्षमा पत्रों को खरीदे। और पोप जब उसकी अभ्यर्थना ईसा मसीह से करेंगे तो उन्हें उनके पापों से मुक्ति मिल जाएगी। और इन क्षमा पत्रों को लेकर ही उन्होंने विटेनबर्ग की गिरजाघर की दीवारों पर 1517 में 95 थीसिस चस्पा की, जहाँ से धार्मिक आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और मार्टिन लूथर ने एक नए धर्म का बीजारोपण किया जिसे प्रोटेस्टेंट धर्म कहा गया, और प्रोटेस्टेंट का मतलब होता है, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, और वो रोमन कैथोलिक चर्च के विरोध के रूप में वो धर्म खड़ा हुआ। उसके बाद जॉन कॉल्विन का एक नया धार्मिक संप्रदाय यूरोप के क्षितिज पर उदयमान हुआ और जिसे अलग अलग देशों में अलग अलग संप्रदाय के नाम से जाना जाने लगा। वे कॉल्विनवादी जो स्कॉटलैंड में थे वो प्रेसबिटेरियन कहलाए, जो फ्रांस में थे वो ह्यूगनॉट कहलाए, और जो इंग्लैंड में थे वो एंग्लिकन कहलाए। और इन सभी ने पोप की जो पोपशाही का विरोध किया और सादगी पर जोर दिया, और इनका मानना था कि ईश्वर में केवल आस्था से ही हम मुक्ति पा सकते हैं,
आस्था के अलावा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो हमें मुक्ति दिला सकता है। चर्च अक्सर 7 प्रकार के संस्कारों को प्रतिपादित करते थे जिन्हें 7 सैक्रामेंट कहा गया, जिसमें बपतिस्मा है, कन्फर्मेशन है, होली यूखारिस्ट है, पिनाइंस और रिकॉन्सिलेशन है, अनॉइंटिंग ऑफ द सिख है और मैट्रिमोनियन होली ऑर्डर है। इन 7 प्रकार के संस्कारों को हर एक को इन संस्कारों को निभाना होता था और इसके एवज में मोटी धनराशि चर्च के पास जाती थी। तो मार्टिन लूथर ने सबसे पहले 1517 में जब इन क्षमा पत्रों की बिक्री पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की तो उन्होंने देखा कि एक पोप का जो प्रतिनिधि है टैडजेल, वो विटेनबर्ग की गिरजाघर की दीवारों को मरम्मत के लिए धन एकत्रित कर रहा है और धन एकत्रित वो क्षमा पत्रों की बिक्री के तहत कर रहा है। और इस पूरी प्रोसेस को कन्फेशन कहा जाता है जो रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर व्याप्त थी। तो हम जब इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं कि मार्टिन लूथर ने जिस धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाई वो प्रोटेस्टेंट धर्म कहलाया और जर्मनी के बहुत सारे जो राज्य थे उस समय वो लूथरवादी हो गए, जिन्होंने राष्ट्रीय चर्चों की के महत्व पर बल दिया और उनका मानना था कि विदेश में बैठा हुआ पोप हमारे देश के अंदर की गतिविधियों को कैसे संचालित कर सकता है। तो मार्टिन लूथर के जो अनुयायी थे वो राष्ट्रीय चर्च की बात कर रहे थे और कैथोलिक चर्च का सिद्धांत था कि जो भी अपराधी अपने अपराधों से प्रायश्चित करना चाहिए वो क्षमा पत्रों को खरीद सकता है, उसे भरकर पोप के प्रतिनिधि को दे और पोप ईसा मसीह से उस अपराधी के अपराधों की क्षमा मांगेंगे जिससे वह अपराधों से मुक्ति पा लेगा। इस पूरी प्रोसेस को कन्फेशन या प्रायश्चित कहा गया। तो धर्म सुधार आंदोलन मुख्यतः पोप की जो सांसारिकता थी उन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नैतिक विद्रोह था और इटली की राजधानी रोम में विद्यमान पोप के अनैतिक आचरण एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध जर्मनी के एक आस्थावान धर्म विज्ञान के प्रोफेसर मार्टिन लूथर ने 1511 में जब रोम की यात्रा की तो वहीं उसका माथा ठनका और उसकी आस्था डगमगाने लगी। तो हम देखते हैं कि कैसे मार्टिन लूथर ने एक नए धर्म का सूत्रपात जर्मनी के अंदर किया और उसने राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना की बात कही, उसने बाइबल की सर्वोच्चता को माना, उसने ईसा मसीह को माना लेकिन चर्च और पोपशाही का उसने विरोध किया और इसको लेके फिर पोप ने उसके खिलाफ बहुत सारी उसको भी धर्म से जो एक्सकम्युनिकेट किया गया। लेकिन वर्म्स की संसद में उसने अपने तर्क रखे और बहुत सारे जो जर्मनी के जो राजा थे वो लूथरवादी हो गए। तो ये विरोध तो पहले भी होता रहा जॉन वाइक्लिफ की तरह से, जॉन हस की तरफ से, लेकिन ये पहली बार था कि मार्टिन लूथर ने बहुत सारे जर्मनी के राजाओं को अपने पक्ष में किया और उसने एक बड़े व्यापक पैमाने पर एक मैंडेट हासिल किया कि पोप जो है जो इटली के अंदर बैठा है वो जर्मनी के बहुत सारे जो मेहनतकश लोग थे जो मेहनत करते थे उनके द्वारा इकट्ठा किए गए कर से वो अपने जीवन की विलासिताओं को जी रहे थे। तो मार्टिन लूथर का जो ये आंदोलन रहा इसकी तुलना जैसा कि हमने पहले भी कहा आप बौद्ध धर्म से कर सकते हैं, जैसे हिंदू धर्म के खिलाफ एक बौद्ध धर्म प्रतिरोध के रूप में खड़ा हुआ, ठीक उसी प्रकार यूरोप के अंदर मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट धर्म को खड़ा किया और बाद में जॉन कॉल्विन के कॉल्विनवाद ने मार्टिन लूथर की जो लोकप्रियता थी उसको और भी आगे बढ़ाने का काम किया। बाद में कॉल्विनवाद वो और भी ज़्यादा प्रसिद्धि को पाया क्योंकि कॉल्विन जॉन कॉल्विन का कहना था कि मनुष्य अगर मुक्ति चाहता है तो वो केवल आस्था के आधार पर मुक्ति पा सकता है, विभिन्न तरीके के संस्कारों को निभाने से कोई मुक्ति नहीं पा सकता। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि 7 सैक्रामेंट जो 7 प्रकार के संस्कार प्रत्येक ईसाई को करने पड़ते थे और उसके एवज में एक मोटी धनराशि इन प्रीस्ट को देनी पड़ती थी।